हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग गया। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गला में भी थोड़ा प्रॉब्लम था और वैसे भी टेक्निकल इश्यू थे। एनीवेज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई 2017 केमिस्ट्री पेपर का है, आपने आई ऑलमोस्ट मैंने देखा मोर देन 3000 व्यूज़ है और लॉट ऑफ कमेंट्स है। एक्चुअली पीडीएफ फाइल में जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं ईमेल नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, यू कैन टेक स्नैपशॉट या आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पिछले पार्ट के लास्ट पेज था, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्टिन्यूएशन है, 6th तक में हमारा पार्ट 1 था और उसका आंसर था। ठीक है, ये विद सॉल्यूशन है, इसमें आपको सॉल्यूशन का भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए आपका इसमें सॉल्यूशन भी है। तो 7th क्वेश्चन आप देखो, तो मैं बहुत ज़्यादा इसे बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज टुमारो इज़ योर पेपर, आई मीन डे आफ्टर टुमारो, तो इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, तो हम ये मान के चल सकते हैं टुमारो इज योर पेपर। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ टेक योर कॉपी पेन, अपने कॉपी पेन लेके बैठो और जो जो क्वेश्चन है इसे नोट करो। यहाँ पे जो आंसर्स दिए इसे आप फर्दर इलाबरेट कर सकते हो, बट दिस मस्ट बी दी की वर्ड विच शुड बी देयर इन दी आंसर्स। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 2017 केमिस्ट्री का है ये पार्ट 2। ठीक है, और यू कैन ट्रस्ट, और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि हम लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ, फिर मैं डायरेक्ट इस पे चलाऊंगा, वो ये है कि हम आगे बायो का भी डालने वाले, कंप्यूटर का, आई मीन वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद हम फिर IIT जी और नीट के वीडियोज में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाए और आप रेलिवेंट वीडियोज को देख सको। तो नाउ आई होप कि आप इसे देखोगे, एंड ऑल द बेस्ट, तो प्लीज वॉच इट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, इन्हें आपको जरूर याद रखना चाहिए। टॉलेंट टेस्ट, लोडोफॉर्म टेस्ट, तो प्लीज इसे नोट जरूर करें साथ में। ये अरेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप इस वीडियोस को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर वॉच करें। इवन जिस दिन एग्ज़ाम है, आई मीन परसों भी आप मॉर्निंग में वॉच कर सकते हो। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर एंड हाफ एन आवर टू पार्ट, तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। ये एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेज इलास्टोमर फाइबर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये डेफिनेशंस याद कर लेना 100%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस वीडियो कंटेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन CBSE 2017 केमिस्ट्री, तो इसे एग्ज़ाम से पहले भी देख लेना आप लोग। यू कैन गेट अ क्विक रिवाइज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑल द क्वेश्चंस।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज देखो आप। इफ यू हैव कॉपी पेन देन प्लीज क्लिक इट। अगर आप मोबाइल फोन पे वॉच कर रहे हो तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं अगला पार्ट या अगला वीडियो डाउनलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पे तुरंत आपको सर्च ना करना पड़े और ये आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग अगेन। एक बार आप जल्दी से, मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ सारे जो आज के स्लाइड्स हैं, तो प्लीज़ जल्दी से वॉच कर लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ, राइट फ्रॉम फर्स्ट वन। ये स्ट्रक्चर्स आप देख लो, ये जरूरी है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का वीडियो मैं इसमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, प्लीज चेक इट। ये स्ट्रक्चर्स जितने यहाँ दिए हैं ये आपको पता होने चाहिए। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद होने चाहिए। आई मीन मैं यहाँ पर एक बार आपके पास उसका रिवीजन करा देता हूँ, ये वाला पार्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दैट इज दिस वन। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लॉग टेबल आपको यूज करना आना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी और इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, और एक और पार्ट है ये वाला, कोलाइड्स आपको मालूम होना चाहिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी बन सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट पढ़नी है और उसे आप नहीं छोड़ सकते, ये मॉन्ट प्रोसेस और वेन आर्केल मेथड। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली, और स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया है, ये वाला आप पढ़ लो एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये रहा आयन सेविंग सम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और नेक्स्ट आप एक चीज ये देख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो आई होप ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल दी मेन। अच्छा, ये भी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिंथेसिस और ये रिएक्शंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यू मस्ट नो दैट। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक इट, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने व्यू शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।